प्रिय साथियों, मैं हूं नवल मिश्रा। आप सबका मेरे नवल इंग्लिश स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में संकलित दूसरी कविता द ट्रिब्यूटी पढ़ा रहा हूं। इस कविता द ट्रिब्यूटी के लेखक हैं थॉमस केरी। कविता में सिर्फ दो ही स्टेंजा हैं, छोटी सी कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। अब बिना देरी किए कविता को प्रारंभ कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेंजा देखेंगे, ही दैट लव्स आर रोजी चीक। कभी पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहा है, दूसरे स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहा है। ध्यान देंगे, ही दैट लव्स आर रोजी चीक। कभी कहता है वह व्यक्ति, दैट लव्स आर रोजी चीक, जो अपनी प्रेयसी को प्यार करता है, फॉर ए रोजी चीक, उनके रोजी चीक की वजह से, उनके गुलाबी गालों की वजह से उन्हें प्यार करता है। आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा उनके मूंगे जैसे ओठों की तारीफ करता रहता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, अथवा उनकी सितारे जैसी सुंदर आंखों में प्यार खोजता रहता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपनी फायर को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेमाग्नि को जारी रखने के लिए, अपने प्रेम को जारी रखने के लिए वह इन शारीरिक अंगों में प्यार खोजता रहता है, इन शारीरिक अंगों को देख देख कर प्यार को बढ़ाता रहता है, प्यार खोजता रहता है, प्यार करता रहता है। कभी कहता है एज ओल्ड टाइम मेक्स दिज डिके, बुढ़ापे में समय के साथ साथ जैसे समय बीतता जाता है, शारीरिक सुंदरता का क्षय हो जाता है, शारीरिक सुंदरता खत्म हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे, ऐसी स्थिति में ऐसे प्रेमिया को जब प्यार होता है वह भी खत्म हो जाता है, उनकी जो फ्लेम्स है, जो प्रेम करने की इच्छाएं हैं, मस्ट वास्ट अवे, वो भी खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्यों? उनका प्यार तो शारीरिक सुंदरता पर आधारित था, अब शारीरिक सुंदरता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका प्यार भी खत्म हो जाता है, उनका प्यार भी टिकाऊ नहीं होता है, शारीरिक सुंदरता के साथ ही उनका प्यार भी चला जाता है। अब अगले स्टेंजा पर ध्यान देंगे, बट अ स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड। कभी कहता है, आध्यात्मिक सुंदरता की बात करता है, कहता है जो प्रेमी अपनी प्रेयसी की आध्यात्मिक सुंदरता से प्यार करते हैं, कहता है वट अ स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जो प्रेमी अपनी प्रेयसी के स्मूथ, सरल एंड स्टेट फास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क से प्यार करता है, जेंटल थाट्स, उनके अच्छे विचारों से प्यार करता है, एंड काम डिजायर्स, और उनकी शांत इच्छाओं से प्यार करता है। हार्ट्स विद इक्वल लव कम्बाइंड, ऐसे प्रेमियों का हृदय बराबर प्यार से भरा रहता है। हार्ट्स विद इक्वल लव कम्बाइंड, बराबर प्यार से भरा रहता है उनका हृदय, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और ऐसे प्रेमियों की जो फायर है, जो प्रेमाग्नि है, वो कभी खत्म नहीं होती है। कभी कहता है भेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये चीजें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइस, मैं नफरत करता हूँ सुंदर गालों से, लवली चीक्स, सुंदर गालों से, स्टारलाइक आई, सुंदर आंखों से और ओठों से। मतलब कभी कहता है जहां आध्यात्मिक सुंदरता नहीं होती है वह केवल सारी सुंदरता से नफरत करता है, वह केवल सारी सुंदरता को प्यार नहीं करता है। इस कविता के बारे में कुछ खास बातें ध्यान देंगे, कविता में सिर्फ दो स्टेंजा हैं, दोनों स्टेंजा में छः छः लाइन हैं, कविता की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी सी। कविता एक शॉर्ट लिरिक है। कविता के पहले स्टेंजा की तीसरी और पांचवी लाइन, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा पांचवी लाइन है एज ओल्ड टाइम मैक्स दिज डिके, ये लाइनों में सिमिली अलंकार है। प्रिय साथियों, यदि आपको मेरी कविता अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।